हेलो इंजीनियर्स, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गडर की कास्टिंग। गडर कास्टिंग में हमें क्या बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं उनके बारे में हम रवि सर से जानेंगे। सर बिल्कुल सर, सर गडर कास्टिंग टाइम में हमें कई सारी छोटी छोटी चीजें जो है तो ध्यान में रखनी होती है। जैसा कि सबसे पहले हम गडर की कंक्रीट करने से पहले जो भी हमारी कंक्रीट की लेयर हम डालेंगे, कंक्रीट की लेयर 300 mm से ज्यादा की लेयर नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कॉम्पैक्शन होनी चाहिए। और ध्यान रखना है हमें कि जो हमारे शटर वाइब्रेटर लगे हैं, हम उनको जहाँ जहाँ पे भी जैसे जैसे कंक्रीट जाती है हम उन शटर वाइब्रेटरों को चलाना होता है। एक बार उसको शटर वाइब्रेटर को दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, शटर वाइब्रेटर जैसे लगा है वो हमारा लगा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे 3 निडल वाइब्रेटर हैं जो कि हमारे कंटिन्यू हमें चलाने पड़ते हैं कंक्रीट के टाइम में, कास्टिंग टाइम में। शटर वाइब्रेटर को सर हम नीचे की लेयर में ही, फर्स्ट लेयर में ही क्यों यूज करते हैं, ऊपर में क्यों यूज नहीं करते, इसका क्या रीजन है? शटर वाइब्रेटर को सर हम बॉटम लेयर में इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा ये बॉटम में हंच पोर्शन जो हमारा निकला हुआ है जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारी बीच की वेब है और ये बॉटम जो सबसे नीचे है सर, इसको बोलते हैं बॉटम फ्लेंज, और जो बीच में है इसको वेब बोलते हैं, और जो ऊपर है हमारी ये इसको टॉप फ्लेंज बोलते हैं जी। तो जो बॉटम फ्लेंज है हमारी, इसमें निडल वाइब्रेटर अंदर तक नहीं जा पाता है, इसके कारण हम इसमें शटर वाइब्रेटर यूज करते हैं कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन, प्रॉपर वाइब्रेशन जो है हमारी बनी रहे, प्रॉपर वाइब्रेशन हमारी होती रहे और जो हमारे एयर वॉइड्स हैं वो बाहर आ जाएं जी। बिल्कुल सर। सर जैसा कि जो हमारा शटर वाइब्रेटर होता है वो हमारी फर्स्ट लेयर के बाद हमें नहीं चलाना होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो हमारा कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है, और फर्स्ट लेयर में जब हमारा वाइब्रेटर चल जाता है शटर वाइब्रेटर, तो उसको अगर हम ऊपर की लेयर में कंक्रीट हम कर रहे हैं और नीचे फिर शटर वाइब्रेटर का यूज कर रहे हैं तो उससे नीचे की लेयर में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना होता है कि जो हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद हमें शटर वाइब्रेटर का यूज नहीं करना है जी। सर बिल्कुल सर। अब जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये लड़का एक डमी पाइप को अंदर बाहर हिला रहा, मूवमेंट करवा रहा है इसको। ये क्या होता है दोस्तों, कास्टिंग टाइम में जो हमारा प्रोफाइल पाइप होता है, प्रोफाइल पाइप कास्टिंग टाइम में हमारा निडल वाइब्रेशन करती है, गलती से निडल अगर प्रोफाइल पाइप के ऊपर लग जाती है तो उसमें प्रोफाइल पाइप ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के कारण उसमें सीमेंट सलरी अंदर चली जाती है। इसलिए हम इस डमी पाइप को प्रोफाइल पाइप के अंदर डालते हैं और इसको कास्टिंग टाइम में मूवमेंट करवाते हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही जरूरी वर्क होता है कि जो हमें कास्टिंग टाइम में ध्यान रखना होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा शटरिंग का टॉप लेवल है ये हमारा कास्टिंग का लेवल होता है। हमें बिल्कुल जो शटरिंग का टॉप लेवल है इसके टॉप लेवल को मैच करते हुए हमें गडर की कास्टिंग करनी पड़ती है। और कास्टिंग के बाद दोस्तों हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा कंक्रीट का टॉप सरफेस है उसको हमें ब्रूमिंग करके, उसको स्क्रैच करके हमें रफ सरफेस रखना होता है, ताकि जो कि हमारी स्लैब की बॉन्डिंग तो अपने गडर के साथ बिल्कुल अच्छे से बनी रहे। और दोस्तों हमें ध्यान रखना होता है जहां पे भी हमारे एंड, जो हमारे एंड पोर्शन है उनमें हमें वाइब्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। इसमें क्या हमारी कोन लगी हुई होती है, कई बार लेबर लापरवाही कर देती है और जो कि वाइब्रेशन प्रॉपर नहीं कर पाती है कोन के पास में, तो कोन खोखली रह जाती है अंदर से, प्रॉपर कंक्रीट कोन के आसपास नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण से हमारा जो कोन के आसपास का एरिया है कंक्रीट का वो खोखला होने के कारण स्ट्रेसिंग टाइम में हमें बहुत दिक्कत का सामना करता है। कई बार हमारी स्ट्रेसिंग टाइम में कोन अंदर चली जाती है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमारी कास्टिंग लेवल यहाँ पे फिनिश हो चुका है। हमारा जो शटरिंग टॉप है उसके ही अनुसार हमने कास्टिंग लेवल अपना फिनिश किया है। कास्टिंग लेवल जो हमारा शटरिंग टॉप लेवल हमने जैसा कि बताया था वैसा ही हमने शटरिंग टॉप लेवल से कास्टिंग फिनिश किया है। अभी कास्टिंग होने के कुछ आधे घंटे बाद हम इसको स्क्रैच करके और इसका रफ सरफेस रखेंगे।